जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारों फाइनली Vivo X80 और Vivo X80 Pro लॉन्च हो चुके हैं ब्रो। यार ये तो राइम हो गया। चलो शुरुआत करते हैं Vivo X80 से। यहाँ पर आपको 6.78 इंच का एक फुल एचडी प्लस E5 LTPO वर्जन 2.0 AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का TSR, 1000 हर्ट्ज का ISR, इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट, और यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है, और 10 बिट के कलर्स मिलते हैं, HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है, और भाई कर्व डिस्प्ले मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है यार। कर्व डिस्प्ले दे दिया हम लोगों को। 1500 नीट्स का आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, DC डिमिंग भी है, DCI-P3 कलर गैमेट है, और दोस्तों डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। छोटा सा पंचोल है, चिन बहुत ही कम है, बेजल लेस डिस्प्ले है। देखो यार, डिस्प्ले वाइज मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। पहली बात तो कर्व डिस्प्ले है, तो प्रीमियमनेस वाला फीलिंग आपका एकदम रहेगा। आप चौड़ से सबको दिखा पाओगे, देख भाई कर्व डिस्प्ले वाला फोन है, बहुत महंगा है, छोड़ जान तो इतना नहीं मैं एक्टिंग करूंगा। मजाक साइड में, सीरियसली बात करते हैं। देखो यार, यहां पर 10 बिट के कलर्स मिलते हैं, HDR 10 प्लस है, DCI-P3 कलर गैमेट है, तो गेम जब भी खेलोगे, सपोज करो कि BGMI खेल रहे हो, जो घर वहां पर दिखाई जाते हैं, जो घास रहता है, जो आसमान रहता है, इनफैक्ट जो आपका प्लेयर है, उसकी क्लैरिटी आपको दिखाई देगी एकदम नंबर वन वाली। आप बोलोगे भाई बहुत ही चेंज यहां दिखाई दे रहा है मेरे को, और भाई अल्ट्रा ग्राफिक्स पे सेट करके खेलोगे ना भाई, कंसोल वाला फीलिंग आएगा। और भाई ऐसा नहीं कि गेम अटक अटक के चलेगा, एकदम मस्त मक्खन की तरह चलेगा, क्योंकि भाई ISR भी बहुत ज्यादा है, 1000 हर्ट्ज का है, और भाई कलर्स एकदम पंची होंगे, ग्राफिक्स के डिटेल्स एकदम तगड़े वाले होंगे, डेप्थ भी अच्छा हुआ कलर का, मूवीज देखोगे ना यार मजा आ जाएगा। साइड में किसी बंदे को बैठा देना, या फिर आपका कोई भी स्पेशल इंसान है आपकी जिंदगी में, उसके साथ बैठ के देखना मूवी, तो भाई सही बता रहा हूं, एकदम आप उसको एकदम हैप्पी कर दोगे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार, स्क्रिप्ट में ऐसे मत लिखा करो यार, गलत बात होती है, हम भी सिंगल हैं, बाकी सब भी सिंगल ही होंगे, छोड़ो जाने दो, ज़्यादा सीरियस नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, तो गिरेगा तो टूटेगा नहीं, एकदम आराम से गिराओ, कोई टेंशन नहीं, फेंको उको जो भी करना करो, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना यार। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस हो, चाहे जितना भी अच्छा स्क्रीन प्रोटेक्शन हो, गिरता है तो डर बहुत लगता है। यहाँ पर आपको सोनी का नया प्रीमियम फ्लैगशिप सेंसर मिल जाता है, जो सबसे पहले Vivo X80 के साथ डेब्यू किया है, Vivo X80 Pro में भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सोनी IMX866 का सेंसर मिलता है, जो सोनी IMX766 का सक्सेसर है। आप तो जानते हो भाई सोनी IMX766 कैसा सेंसर है, और ये भाई उसका भी बड़ा भाई है, सोच सकते हो। ये 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा आपको प्रोवाइड करेगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है सोनी IMX663 सेंसर के साथ, और आपको 12 मेगापिक्सल का फिर से आपको मिल जाएगा कोर कैमरा सोनी IMX663 सेंसर के साथ, जो एक टेलीफोटो कैमरा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एकदम फाड़ू कैमरा है, और आप तो जानते हो Vivo और Zeiss मिलके इसको बनाए हैं, तो भाई और एडवांटेज है। 32 का सेल्फी मिल जाता है पंचोल के साथ। देखो यार, कौन सा सेंसर यूज किया सेल्फी में ये तो बताया नहीं Vivo, लेकिन मैं पता किया हूं सोनी IMX709 का सेंसर है, ये भी एकदम फाड़ू सेंसर है, शायद करके बोल रहा हूँ क्योंकि Vivo पता है नहीं। अगर मैं इन शॉर्ट एक वर्ड में कहूँ कैमरास के बारे में, तो बवाल कैमरास हैं। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 3.1 का शोई सपोर्ट, LPDDR5 रैम टाइप, 4500 mAh बैटरी, 80 वॉट का चार्जर, चार्जर बॉक्स मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ओरिजिन OS ओशन 2.0 का कस्टम UI मिल जाएगा। इंडिया में तो फन टच OS पे चलेगा, टेंशन मत लो। NFC भी मिल जाएगा, Wi-Fi 6 भी रहेगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आएगा। ये वर्ल्ड के तीसरे फोन्स बन जाते हैं जहां पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है, नया वाला है। इसके बारे में आपको ओप्पो K10 सीरीज के स्मार्टफोन्स की वीडियो में बताया था, कल ही तो लॉन्च हुए थे, अनबॉक्सिंग भी दिखाया था, आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देख लेना, वो भी फोन्स काफी अच्छे हैं। यहां पर आपको 3DVC लिक्विड कूलिंग मिल जाएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे डॉल्बी एटमॉस के साथ, और यहां पर आपको बस इतने ही स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, और ये बहुत सारे हैं यार, और कितने होंगे इसमें, सब तो भर के दे दिया हम लोगों को। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको MediaTek का प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है, MediaTek Dimensity 9000। ये हुई ना बात, मैं जितना 8 Gen 1 को देख के खुश नहीं होता हूं, उतना Dimensity 9000 को देख के खुश हो जाता हूं। भाई बहुत ही अच्छा काम किया Vivo, Vivo X60 के बाद जाके अब हम लोगों को सुकून मिला Vivo X80 को देख के। Vivo X70 में तो भाई एकदम आप परेशान कर दिए थे हम लोगों को, बहुत तकलीफ होती थी, रात को सो भी नहीं पाते थे, ऐसा प्रोसेसर दिए थे आप, लेकिन इस बारी आप वापस से कमबैक कर लिए, और वो भी तगड़ा वाला कमबैक भाई, 888 प्लस नहीं दिए, Dimensity 9000 दे दिए। ये 4 nm पे बेस्ड है, Mali G7
710 का आपको जीपी मिल जाता है, 10 कोर जीपीयू है। परफॉर्मेंस को आप फील नहीं कर पा रहे हो, मैं एक दो अच्छी चीजें बताता हूँ, आपको फील करने लग जाओगे। मीडियाटेक डेमेसिटी 9000 8 जेन 1 से भी अच्छा आपको गेमिंग परफॉर्मेंस दे देगा, आप अल्ट्रा ग्राफिक्स पे इजीली गेमिंग कर लोगे। अभी बात नहीं खत्म हुआ है, यहाँ पर आपको वीवो का V1 प्लस चिप भी मिल जाता है। ये वही चिप है जो आपको वीवो एक्स नोट और वीवो एक्स फोल्ड में मिल गया था, दो हफ्ते पहले लॉन्च हुए थे वीवो के नए प्रीमियम फ्लैक्सी फोन्स। आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, अनबॉक्सिंग भी दिखाया था। ये बेसिकली क्या करता पता है, जो स्मार्टफोन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, डिस्प्ले, कैमरास, प्रोसेसर, बैटरी, उनको वेल ऑप्टिमाइज करता है और पूरा 100% उनसे निकालता है परफॉर्मेंस। मतलब कि सभी चीजें प्रॉपर 100% अच्छे तरीके से वर्क करते रहे, ये काम करता है। ये तो सोच सकते हो ये भी आपको मिल जाता, वो भी नया वाला है। अब चलो यार बात कर लेते हैं बड़े वाले भाई के बारे में, यानी कि Vivo X80 Pro के बारे में। यहाँ पर आपको 6.78 इंच का एक 2K E5 LTPO वर्जन 3.0 AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। ये वर्ल्ड का दूसरा फोन बन जाता है जहाँ पर आपको E5 LTPO वर्जन 3.0 AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। इससे पहले Vivo X Fold में आपको देखने को मिला था, अनबॉक्सिंग वीडियो डाल दिया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको उसी में। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 240 हर्ट्ज का TSR नहीं मिलता है। बहुत अच्छा लगा ये हम लोगों को नहीं दिया, अगर दे देता तो दिल टूट जाता। 300 हर्ट्ज का TSR है, 1000 हर्ट्ज का ISR है, इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, DC डिमिंग का भी है, DCI-P3 कलर गैमेट भी है, 10 बिट के कलर्स भी है, और यहां पर आपको 517 PPI मिलते हैं। भाई ये बहुत ज्यादा PPI, ये सही बता रहा हूं। 1500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस भी मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का स्किन प्रोटेक्शन बता दिया रहूंगा मैं, नहीं बताया तो बता दिया मैं, अभी देख लिया ना। तो कर्व डिस्प्ले यहां पर भी आपको मिल जाता है, बेजललेस डिस्प्ले, छोटा सा पंचोल है, चिन बहुत ही कम है। देखो यार डिस्प्ले की तारीफ वही होगी जो आपको Vivo X80 में करता हुआ दिखाई दिया था, गेमिंग करते वक्त बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा, अलग ही सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि भाई यहां पर आपको एक नया वर्जन का LTPO पैनल मिल जाता है। ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको देगा, LTPO वर्जन 3.0 है ना, दैट्स व्हाई काफी आपको अच्छा रिफ्रेशमेंट यहां पर महसूस होते हुए दिखाई देंगे। जो रिफ्रेश रेट है वो आपको थोड़ा अलग फील करवाएगा। अगर आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल यूज किए हो, अगर आप Vivo X80 Pro के पैनल को यूज करोगे, तो आपको लगेगा भाई कि कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो अलग है दया, कुछ तो अलग है। मूवीज देखोगे तो भाई आपका दिल डूब जाएगा, इतने महंगे वाले टीवी को आप पॉकेट में लेके घूम रहे हो यार, बताओ। क्योंकि भाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो तो ऑलरेडी दिल जीत लेता है, ऊपर से इतने अच्छे कलर्स, इतने अच्छे हम लोगों को शैडोज मिल जाते हैं भाई, आउटडोर भी लेके जाओगे तो भाई एकदम दिल आपका एकदम बोलेगा भाई क्या चीज है ये, धूप भी कुछ नहीं कर पा रहा इसका, सब कुछ अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। कैमरास की बात कर ले तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर मेरे को दुख महसूस हुआ कि यहाँ पर सोनी IMX866 का हम लोगों को प्राइमरी सेंसर नहीं मिला, वो Vivo X80 में देखने को मिल गया। ये बात थोड़ा सा तकलीफ हुआ मेरे को, क्योंकि यहाँ पर देना चाहिए था। आई होप सो कि Vivo X80 Pro Plus में अपने को मिल जाए। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है सैमसंग के G5 सेंसर के साथ, ये वही सेंसर है जो आपको iQOO 9 Pro दे देता है। देखो यार यहाँ पर आपको गिम्बल कैमरा स्टेबिलाइजेशन भी मिल जाता है, ये नया वाला है। जो हर बार हम लोगों को गिम्बल कैमरा स्टेबिलाइजेशन मिलता था ना, वो काफी बड़ा था, Vivo इसको कंप्रेस करके छोटा कर दिया, जिसकी वजह से सेंसर्स और अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे और OIS का भी सपोर्ट है। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, सैमसंग का नहीं यहाँ पर सेंसर है इस बार, यहाँ पर सोनी IMX598 का सेंसर मिलता है जो आपको कमाल के अल्ट्रा वाइड शॉट से देगा। और यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी देखने को मिल जाता है, सोनी IMX663 का सेंसर है, ये वही सेंसर है जो आपको Vivo X80 में मिल जाता है, और आपको 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप भी मिल जाता है। ये कौन सा सेंसर है नहीं पता भाई, Vivo कहीं मेंशन नहीं किया। 32 का सेल्फी मिल जाता है, अगेन यहाँ पर भी कौन सा सेंसर है Vivo बताया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सोनी IMX709 ही होगा, और कौन सा हो सकता है। वैसे कैमरास बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन तकलीफ हुआ कि भाई फ्लैगशिप सेंसर सोनी का यहाँ पर यूज नहीं किया, और भाई ऑब्वियस सी बात है ज़ेइस के साथ मिलके Vivo बनाया है, तो ज़ेइस ऑप्टिक्स का भी यहाँ पर कमाल रहेगा। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको एक्जैक्टली वही मेन स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं जो Vivo X80 दे देता है, जो जो चेंजेस हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 4700 mAh का बैटरी मिल जाएगा, 80 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा, चार्जर बॉक्स में ही रहेगा, और 50 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 को सपोर्ट करेगा, और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 को भी सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा आगे बताता हूँ परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में, जल्दी जाओ देखो। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिल जाता है, जो एक 4 नैनोमीटर के टेक
टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एडिनो 730 का जीपीयू मिल जाता है। आप तो जानते हो ये कितना अच्छा, कितना पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है, हर काम को इजीली तरीके से कर देगा। और यहाँ पर इसका एक और वर्जन है मीडियाटेक डेमेंसिटी 9000 वाला, जो एक 4 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, मानी G710 का जीपीयू मिल जाता है। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वीवो X80 का परफॉर्मेंस वाला सेक्शन चेक करके आओ, आपको पता चल जाएगा डेमेंसिटी 9000 कैसा है। अगर देख लिए हो तो ये सारी बातें बेबुनियादी हैं और आपको वीवो का V1 प्लस चिप भी मिल जाता है। अब चलो यार बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। पहले मैं आपको स्मार्टफोन्स के डायनामिक्स बता देता हूँ। Vivo X80 आता है 8.78 mm के थिकनेस के साथ और यहाँ पर आपको 206 ग्राम्स वेट देखने को मिल जाएगा। Vivo X80 Pro आता है 9.10 mm के थिकनेस के साथ 219 ग्राम्स यानी कि 220 ग्राम्स आपको वेट देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन का। ठीक है, देखो यार पहली बात दोनों स्मार्टफोन्स भारी हैं और मोटे भी हैं, क्योंकि भाई इतना ज्यादा माल मसाला भरा गया है तो ऑब्वियसली बात है फ्लैक्सी फोन्स ऐसे ही होते हैं बल्कि और भारी। वैसे यार ऑलमोस्ट सारे फ्लैक्सी फोन्स ऐसे ही आते हैं। अगर आप डिजाइन वाइज Vivo X80 Pro को देखोगे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज खटकता है कि जो ज़ाइज का ब्रांडिंग था उसको बाहर फेंकते पेरिस्कोप लेंस को अंदर करते कैमरा हाउसिंग के। और ऐसा नहीं कि पेरिस्कोप लगाने का जगह नहीं था अंदर में, है पूरा था जगह, लेकिन Vivo शो ऑफ मारने के चक्कर में ऐसा नहीं किया। लेकिन अच्छा लगता है देखने में, काफी प्रीमियम लुक दे देता है और डिफरेंट कैमरा हाउसिंग डिजाइन है, आपका दिल पक्का जीत लेगा। Vivo X80 को देखोगे तो देखने में बहुत क्यूट लगता है, हैंडसम लुक दे देता है और वाकई में ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। आप बताना आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है कैमरा हाउसिंग का स्टाइल, मुझे तो Vivo X80 का ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आप देखोगे दोनों स्मार्टफोन्स को आगे से तो एक जैसे ही दिखाई देते हैं ऑलमोस्ट, छोटा सा पंच होल, कर्व डिस्प्ले, चिन एकदम हाई नहीं, बेजललेस लुक, देख के एकदम मजा ही आ जाता है। बिल्ड वाइज बात कर ले तो दोनों स्मार्टफोन्स आपको वेगन लेदर के साथ दिखाई देंगे, ग्लास वेरियंट्स आएंगे इन फ्यूचर लेकिन वेगन लेदर का यूज किया गया है, एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, आगे कॉर्निंग गुडिया ग्लास, विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, दोनों स्मार्टफोन्स में IP68 का रेटिंग भी मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। डिजाइन और बिल्ड वाइज दोनों स्मार्टफोन्स एकदम झकास है। अब चलो यार बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स आज चाइना में लॉन्च हो गए हैं। जो जो प्राइसेस बताया था दोनों स्मार्टफोन्स का एक्जैक्टली ऑलमोस्ट वही प्राइसेस पे लॉन्च हुए हैं। Vivo X80 से शुरुआत करते हैं जिसका बेस वेरियंट है 8.28, जिसका प्राइस है 43,200 रुपीज, 43,200 रुपए मस्त प्राइस है यार। उसके बाद 8 to 56, 46,700 रुपीज, 40,700 रुपए, 12 to 56, 51,400 रुपीज, 51,400 रुपए, 12 to 52, 57,200 रुपए, 57,200 रुपीज। Vivo X80 Pro का बेस वेरिएंट है 8 to 56, जिसका प्राइस है 64,300 रुपीज, 64,300 रुपए, प्राइसिंग इसका अच्छा है। 12 to 56 का प्राइस है 70,100 रुपए, 70,100 रुपीज, और 12 to 52 78,300 रुपए, 78,300 रुपीज। ये तो हो गया Vivo X80 Pro के 8 Gen 1 वाले वर्जन का प्राइस। अब Dimensity 9000 वाले वर्जन का प्राइस बताता हूँ। इसका बेस वेरिएंट है 12 to 56, जिसका प्राइस है 70,100 रुपए, 70,100 रुपीज, 12 to 52 78,300 रुपए, 78,300 रुपीज। तो आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं, आपके क्या रिएक्शंस हैं, ओपिनियंस हैं, कमेंट करके बताना। अब चलो यार बात कर लेते हैं इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। देखो यार Vivo X80 सीरीज के स्मार्टफोन्स 8 मई को ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको कहा हूं पिछले करोड़ों साल से कहते हुए आ रहा हूं कि भैया मई एंड तक नहीं तो जून के महीने में इंडिया में आ जाएंगे Vivo X80 सीरीज के स्मार्टफोन्स, तो जून तक वेट कर लेना। अब रहा सवाल इंडिया में क्या प्राइसिंग हो सकता है Vivo X80 सीरीज के स्मार्टफोन्स का। अब मुझे जहां तक पता चला है, ऑफिशियल नहीं बता रहा हूं, मुझे पता चला है Vivo X80 आपको 50,000 रुपए के आसपास से शुरू होता हुआ दिखाई देगा, Vivo X80 Pro आपको 70,000 रुपए के आसपास से शुरू होता हुआ दिखाई देगा। किस्मत अच्छी रही तो, नहीं तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। वैसे भी मैं आपको टेक न्यूज में तो अपडेट करता ही रहूंगा, टेक न्यूज को फॉलो करते रहिएगा। अब रहा सवाल वेट किया जाए कि नहीं किया जाए, करो, वेट कर सकते हो तो करो, अदरवाइज Realme GT 2 Pro है, Xiaomi 12 Pro है, OnePlus 10R है, Realme GT Neo 3 है, इनके तरफ जा सकते हो तो चले जाओ। लेकिन यार मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप वेट कर सकते हो तो कर लो वेट यार, क्योंकि अच्छे फोन्स हैं। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.